जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली आप सभी को पता होगा, वैसे कल से वायरल हो रहा है कि कैंसिल ऑर्डर आ रहे हैं, जिनके ज्वाइनिंग लेटर आ गए उनके अब कैंसिल लेटर भी आ रहे हैं। कई लोगों के कैंसिल लेटर आए हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। कईयों के पास में ज्वाइनिंग लेटर आया था, उसके दो दिन तीन दिन बाद में वापस कैंसिल ऑर्डर आ रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग कैंसिल करने के लिए। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ ही एक चीज़ और है कि मेरे को कल रात से ही मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और बोल रहे हैं सर आप इस पर वीडियो बना दो। देखो, वीडियो बनाने से अगर जो चीज़ कैंसिल ऑर्डर आ रहा है अगर मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा तो इसमें नया क्या है। आप मेरे से उम्मीद करते हो कि मैं आपको इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन बताऊँ, इसमें क्या होगा अब इसके बारे में। तो उसके लिए पता करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। अगर मैं इसे रात में बना देता, कल ही आ गया था मेरे पास में ये कैंसिल ऑर्डर, कल मेरे पास में 10-11 बजे आ गया था फोटो, लेकिन मैं इसके पता करने के चक्कर में कि क्या होगा इनका और किस वजह से ये कैंसिल ऑर्डर आ रहे हैं। कईयों को रीज़न भी नहीं दिए हुए, कईयों को रीज़न दिए हुए हैं और क्या इसका रीज़न है, अब क्या होगा आगे जाके। तो इसके बारे में दोस्तों, कई लोगों के आ गए, उनमें से कुछ लोगों के जिनके आए उनका रीज़न तो मैंने पता कर लिया है, कुछ एक दो ऐसे भी मेरे पास में जो कैंसिल ऑर्डर आए हैं उनका भी पता नहीं कर पाया मैं, लेकिन हाँ उनका भी जो रीज़न है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उसी में से हो सकता है। लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात। तो एक जिन बंदों के कैंसिल ऑर्डर आ रहे हैं, जितने भी दोस्त हैं जिनके अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए, वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए मेरे से, ताकि कोई भी आपके ज्वाइनिंग संबंधित अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी निदान कर सकूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन हाँ मैं टेलीग्राम ग्रुप को समय समय पर उसकी चैटिंग ऑन करता हूँ, तो आप उससे ज़रूर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि केवल एक जीसी का नहीं, गांधीनगर जीसी का भी कैंसिल ऑर्डर आया है, झारखंड की जो जमशेदपुर जीसी है उसका भी आया है, एक दो जीसी और हैं उनका भी आया है। उन सभी से मैंने कनेक्ट किया क्योंकि सीआरपीएफ की जीसी है, तो वहाँ का सभी का कनेक्ट करना मेरे लिए ईजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वहाँ पर रीज़न जानना आसान था मेरे लिए। तो उन सभी से मैंने कनेक्ट किया और सभी से रीज़न पूछे, तो बेसिक सा एक दो फॉर्मूले आप सभी के समझ में आ जाएगी किस वजह से। पहले ये देखिए, नियुक्ति जिनकी रद्द हुआ है, एक में रीज़न दिए हुए हैं, वो क्या क्या रीज़न है एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका निदान बताऊँगा। नियुक्ति प्रस्ताव रद्द करने के संबंध में ऊपर उसके रोल नंबर सब कुछ दिया हुआ है। कृपया इस कार्यालय के संख्याबद्ध नियुक्ति दिनांक 13/2/2021 को, ये 13 फरवरी को ही निकल गया था, कईयों के 22 फरवरी को निकले हैं, कईयों के 17 फरवरी के निकले हैं, और भी आपको मिलेंगे अभी, जिनके नहीं निकले हैं उनके भी कईयों के आ सकते हैं, किन किन के आ सकते हैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीआरपीएफ द्वारा आयोजित सिपाही जीडी भर्ती 2018 के परिणाम स्वरूप आपका चयन अस्थायी रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही जीडी के पद पर होने के फलस्वरूप उक्त नियुक्ति प्रस्ताव में दी गई शर्तों के साथ 14/3/2021 को कार्यालय में रिपोर्ट करनी, यानी आपको 14 मार्च को आपको रिपोर्ट करनी थी, वो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया था। सिपाही जीडी भर्ती 2018 PST PIT भर्ती के दौरान आपके अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक मशीन में मिलान नहीं होने के कारण भर्ती बोर्ड द्वारा आपका हस्ताक्षर लिखावट अंगूठे के निशान से संबंधित भरवाया गया था, यानी जो 70 पेज के जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनके बारे में। इस विषय में सूचित किया जाता है कि आपके हस्ताक्षर लिखावट एवं अंगूठे के निशान को इस कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाता है, अतः वर्तमान में आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही जीडी के पद पर इस कार्यालय द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव संख्या 8/2/8 जो उसके ऊपर लिखा रहता है उसको रद्द किया जाता है। तो दोस्तों, किस आधार पर रद्द किया, पहला जो रद्द किया वो है आपकी जिनके बायोमेट्रिक जिनका मिलान नहीं खाया था और जिनके 70 पेज जिन्होंने भरे थे, अब उनमें से ये कैंसिल ऑर्डर आ रहे हैं जिन्होंने 70 पेज भरे थे। आप सभी को पता है कि जिनके बायोमेट्रिक मैच नहीं खाए, कहीं फिंगरप्रिंट मैच नहीं खाए थे राइट हैंड का, उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं खा रहे हैं उनके, अब कैंसिल ऑर्डर आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं इसके लिए रीज़न बता दूँ मैं दोस्तों। जैसे मैंने पहले बोला था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ज्वाइनिंग करके आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के सहित सत्यापन के सहित वहाँ पर दे देता है अलग अलग डिपार्टमेंट को, फिर डिपार्टमेंट जैसे ज्वाइनिंग लेटर भेजता है साथ में आपके ये चीज़ें चेक भी करता है। तो लेकिन ये गलती हुई है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले भेज दिया और ये बाद में आ रहा है, लेकिन अब इसके लिए चिंतित, मुझे पता है आपके मन में चिंतित हो रही है, सभी घबराहट हो गई है, जिनके ज्वाइनिंग लेटर आने वाले उनको भी और जिनके आगे हैं उनके भी, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, जिनका बायोमेट्रिक वाला मैच नहीं किया आपको वापस से कनेक्ट किया जाएगा, आपकी वापस से इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में आपका चेक किया जाएगा, आपके जो बायोमेट्रिक होता है आप सभी को पता है ऑनलाइन आपके एग्जाम हुए, तो बायोमेट्रिक में उस समय जब आपके जो फिंगरप्रिंट चेक किया था उसका और अब जब वापस से आपकी इंक्वायरी होगी उसका फिंगरप्रिंट मैच खाना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपकी इंक्वायरी में फॉल्ट पाया जाता है तब आपका ज्वाइनिंग निरस्त होगा। अब इसके साथ में कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा दोस्तों कि मेरा रिजेक्ट ना हो जाए, या जिनके रिजेक्ट आए हैं या कईयों के आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी डिपार्टमेंट में अगर सीआरपीएफ में आए तो अभी मान के चलिए, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट लो, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ,
सीआरपीएफ के तो आ रहे हैं, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सभी डिपार्टमेंट में इस प्रकार से सत्यापन, जिनके बायोमेट्रिक मेच नहीं खाएँ उनका इस प्रकार से होगा दोस्तों। कईयों के ज्वाइनिंग लेटर आएंगे नहीं, तो पहले ये इंक्वायरी लेटर आ सकता है। तो इसमें होगा क्या, आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है साथ में, कॉन्टैक्ट नंबर, एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है जिनके पास में है। अगर किसी को नहीं मिला है तो कॉन्टैक्ट नंबर कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, उसकी जिस डीसी का है उस डीसी का कंट्रोल रूम नंबर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर हो सके तो, मेरे ख्याल से मिला है कईयों को, तो मैंने देखा उसमें आपका जो रद्द लेटर आया है उसमें कईयों के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं जीसी के, लैंडलाइन के, और मोबाइल नंबर भी एक दिया है, उस पर आप कनेक्ट करिए, आपको बताया जाएगा कि कब आपकी वापस से री इंक्वायरी होगी। और री इंक्वायरी में अगर आप सही पाए जाते हो तो आपका कैंसिल ऑर्डर खारिज हो गया, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फॉल्ट है उनको चिंता करने की जरूरत है। फॉल्ट का मतलब है कि जो पेपर में कोई और बैठा था और फिजिकल के टाइम कोई और बैठा था, तो जो बंदा पेपर में जिसका जो फिगर फिजिकल प्रिंट यानी जो बायोमेट्रिक मैच हुआ था, अभी प्रेजेंट टाइम में जब आपकी इंक्वायरी होगी तो वो सभी मैच कराना चाहिए, उसी बंदे का होना चाहिए जिसके फॉर्म भरा है, फॉर्म में जो सिग्नेचर विग्नेचर अब सभी आपके मैच कराए जाएंगे। जिन जिन लोगों ने वो 70 पेज वाले फॉर्म भरे थे, आप सभी को पता है कि कई लोगों ने 70 पेज वाले फॉर्म भरे थे, उनमें से ही आया, उसके अलावा और किसी का ये लेटर है नहीं आया। क्योंकि मैंने जितने भी बच्चों ने मेरे को भेजा उनसे मैंने कॉल पे बात करके पूछा कि भाई आपकी क्या बायोमेट्रिक मैच खाई थी, तो वो एक ही बात बोल रहे कि नहीं सर, हमारी बायोमेट्रिक मैच नहीं खाई थी, इसी वजह से उनका आया। कोई ऐसा बंदा किसी का भी नहीं आया जिसका बायोमेट्रिक मैच नहीं खाया है और फिर भी उसको कैंसिल लेटर आ गया हो, तो ऐसा नहीं हुआ है। तो इसके लिए बाकी सबको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन जिनका बायोमेट्रिक मैच नहीं खाया था, जिन्होंने 70 पेज वाले फॉर्म भरे थे, उनमें से कुछ लोगों के, हाँ उनके भी सभी लोगों के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको ऐसा लगेगा कि सर सभी के आ रहे हैं, तो सभी के उनमें से भी नहीं आ रहे हैं, उनमें से सिर्फ कुछ लोगों के जिनके सिग्नेचर भी मैच नहीं खाए हैं, फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं खाए गए, उनकी जो लिखावट है वो 70 पेज की आपका, इसलिए वो लिखावट सब चेक किए, वो कुछ मैच नहीं खाए, तो इस वजह से उनके कैंसिल ऑर्डर आए हैं। तो इसलिए अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कैंसिल ऑर्डर आ भी गया है तो आपको वापस इंक्वायरी होगी, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करिए और कॉल करिए, वो आपको बताएंगे कि आपकी री इंक्वायरी कब होगी और किसके द्वारा होगी, किस प्रकार से होगी। और अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, उनसे वापस से फिर से आपका लेटर आएगा, आपको कनेक्ट किया जाएगा, आपको फिर से वो बायोमेट्रिक कराने के लिए जाना पड़ेगा। और जब आप बायोमेट्रिक कराने के लिए जाओगे तब आगे अगर फिंगरप्रिंट वापस से मैच होगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप होल्ट नहीं हो तो वापस से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। हाँ थोड़ा सा डिले होगी ये कार्रवाई, जिन लोगों के कैंसिल लेटर आ रहे हैं उनकी थोड़ा सा ज्वाइनिंग डिले हो जाएगी, एक दो महीने और आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि इस प्रक्रिया में वापस से समय लग जाएगा 2-3 महीनों का, लेकिन ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबको डर लगने लग गया, और भी जितने भी डिपार्टमेंट के कहीं वो बायोमेट्रिक मैच नहीं खाया था उनको भी डर लगने लग गया, तो कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और इन बच्चों के जिनका भी ऐसे हो रहा है, मेरे को जितना भी टाइम मिलेगा, वैसे तो मैंने जितने भी बच्चे मेरे को भेजे हैं उन सभी से बात की, और भी अगर किसी का आएगा तो मैं ज़रूर बात करूँगा, आपकी जितनी हो सकेगी मेरे से उतनी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपकी जो भी जानकारी चाहिए कहीं जैसे कंट्रोल नंबर या कहीं के भी कनेक्ट नंबर आपके, चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट नहीं हो, चाहे CISF में हो, CRPF में हो, BSF में हो, ITBP, कोई से भी डिपार्टमेंट में हो, अगर आपको वहाँ के कंट्रोल रूम नंबर या जहाँ से आपका कोई लेटर आया उसके नंबर या किसी भी सेक्टर का आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, देखो यहाँ तो मैं शेयर नहीं कर सकता, अगर यहाँ पर मैं अगर कंट्रोल रूम शेयर करूँगा तो आप उस कंट्रोल रूम के नंबर पर हर एक बंदा कॉल करेगा, जिसको काम नहीं है वो भी कॉल करेगा, फिर तो ये क्या होगा, ये गलत बात हो जाएगी। कंट्रोल रूम वालों को भी बहुत काम रहता है और फिर वो परेशान होंगे फालतू, इसलिए मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता। पर्सनली तौर पे अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं ज़रूर उसकी मदद करने के लिए हमेशा कॉल करता हूँ उसको, अपना नंबर जो बंदा लिख के भेजता है कि सर मेरे को कॉल करिए मेरी ये परेशानी। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि अब मेरे को हर बंदा मैसेज करे कि सर मेरी ये परेशानी, छोटी छोटी परेशानी, वो नहीं। अगर किसी का कैंसिल ऑर्डर आ रहा है उनके लिए बोल रहा हूँ, वो मेरे को कॉल कर मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और अपना नंबर लिख सकते हैं, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं कॉल करूँगा, उनसे रीज़न पूछ लूँगा उनका क्या है और उस रीज़न के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है वो सब पता करके मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। जितनों ने मेरे को मैसेज किया उन सभी को मैं बता चुका हूँ, आपको भी ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन खास बात यह है कि ये जितने भी ज्वाइनिंग लेटर है कि कैंसिल ऑर्डर आए, इनको आपको ज़्यादा चिंतित करने की जरूरत नहीं है, इसमें वापस इंक्वायरी होगी, नॉर्मल से इंक्वायरी, आपके फिंगरप्रिंट अच्छे से चेक होंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस समय जो होते हैं जल्दी जल्दी में होते हैं, जिनके हो गए उन जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ वो चल गया। अब अच्छी सी बायोमेट्रिक मशीन से आपके वापस से फिंगरप्रिंट, मतलब बिल्कुल अच्छे से एक एक फिंगर के फिंगरप्रिंट चेक होते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट वो ज़्यादा ही डीपली स्कैन करती है तो वो आपके फिंगर वापस से स्कैन कर लेगी। और जो आपका शुरुआत का बायोमेट्रिक वाला स्कैन है अगर उससे मैच खा जाता है तो आपको 1 महीने के बाद में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेकिन आपको कोई बिना नॉलेज के अगर कोई YouTube पे डाल रहा है तो आपको उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है YouTube पर 80% लोगों को कुछ पता नहीं होता, फालतू के ड्रामेबाजी चलती रहती है, तो उस पर आपको ध्यान
नहीं देना दोस्तों। जय हिंद।